हाय गाइस, ये हाइड्रोलिक सम्राट चल रहा है जिसका लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 का ये लेक्चर नंबर 1 चल रहा है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर नंबर 1 में हाइड्रोस्टैटिक हम पढ़ने वाले हैं, जो मैंने इंडिकेट कर दिए हैं। अब हाइड्रोस्टैटिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं पॉइंट डिस्कस कर देता हूँ। पहले तो हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या है। इंट्रोडक्शन के बारे में हम जानेंगे, ठीक है, कि इंट्रोडक्शन क्या है हाइड्रोस्टैटिक का। ठीक है, सेकंड हम उसका देखेंगे रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेप्थ ऑफ लिक्विड। क्या देखेंगे? रिलेशन बिटवीन प्रेशर प्रेशर एंड डेप्थ ऑफ लिक्विड एंड डेप्थ ऑफ लिक्विड। ठीक है, कि लिक्विड की डेप्थ क्या है और उसकी प्रेशर्स के बीच में रिलेशनशिप को देखेंगे। ठीक है, थर्ड वन इज द प्रेशर डायग्राम फॉर टू लिक्विड। प्रेशर डायग्राम फॉर टू लिक्विड के बारे में हम देखेंगे कि प्रेशर डायग्राम क्या बनता है टू लिक्विड का। ठीक है, उसके बाद से हम क्या पढ़ने वाले हैं, पास्कल्स लॉ। आफ्टर डेट हम क्या पढ़ने वाले हैं, टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर, कि टोटल प्रेशर क्या होता है, टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। ओके, उसके बाद से टोटल प्रेशर एंड सेंटर प्रेशर ऑन ए वर्टिकली इमर्ज सरफेस। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर बट किसके लिए, ऑन अ वर्टिकल वर्टिकली इमर्ज किया हुआ है। ठीक है, वर्टिकली इमर्ज सरफेस, इमर्ज सरफेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि टोटल प्रेशर और सेंट्रल प्रेशर ऑन इंक्लाइंड प्लेन इमर्ज इन लिक्विड। वो इंक्लाइंड प्लेन अगर बना रहा है उसमें तो उसका क्या होगा। ठीक है, टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन इंक्लाइंड। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ आपने पूरा लिख लेना है, इंक्लाइन प्लेन इमर्ज इन लिक्विड, इमर्ज इन लिक्विड। ठीक है, आफ्टर दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिक शेप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम इम्पोर्टेंट ज्योमेट्रिक शेप। फिर एग्जाम्पल्स है चाहे अदरवाइज न्यूमेरिकल, इसके जो जो टॉपिक बताएंगे उसे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इतने टॉपिक को हमने क्या करना है, कवर करना है इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में हमने इतने टॉपिक को कवर करना है। ठीक है, कि इंट्रोडक्शन के हाइड्रोस्टैटिक क्या है, कहाँ पे उसके प्रेशर को मेजर किया जाता है, कैसा किस वे में है, ठीक है, प्रेशर होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर प्रेशर डायग्राम फॉर टू लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेशर डायग्राम कैसा बनेगा अगर टू लिक्विड
फिल है ठीक है, कंटेनर में टू लिक्विड हो तो उसके कैसे प्रेशर्स बनेंगे, फिर बाद में टोटल प्रेशर और सेंटर प्रेशर क्या होता है, टोटल प्रेशर क्या होता है, सेंटर प्रेशर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद से टोटल प्रेशर एंड सेंटर प्रेशर ऑन वर्टिकली इमर्ज सरफेस। मान लो कि कोई मैंने कोई भी एक शेप लिया, उस शेप को हमने क्या कर दिया, शेप मतलब कोई भी कुछ भी वस्तु को हमने लिया और पानी में हमने अगर सिंक कर दिया तो सरफेस से उसका टोटल प्रेशर कहाँ पे होगा और सेंटर प्रेशर कहाँ पे होगा ये हम उसमें फाइंड आउट कर देंगे। फिर बाद में अगर वो इंक्लाइंड हो ठीक है, अगर वो प्लेन इंक्लाइंड हो तो उसका टोटल प्रेशर और सेंटर प्रेशर कितना होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम इम्पोर्टेंट ज्योमेट्रिक डिफरेंट डिफरेंट शेप के हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानेंगे, क्योंकि जब हम टोटल प्रेशर और सेंटर प्रेशर फाइंड आउट करेंगे तो उसमें इसकी इम्पोर्टेंस है, इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट डिफरेंट शेप में क्या होता है, डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप में क्या होता है ठीक है। तो ये हम जानेंगे, उसके पहले आपको मैं बता देता हूँ कि इंजीनियर कॉन्सेप्ट वापी ठीक है, इंजीनियर कॉन्सेप्ट वापी में ये क्लासेस चलते हैं, ऑफलाइन क्लासेस एंड ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, जिसके कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, और सिविल इंजीनियरिंग के ऑल सब्जेक्ट के लिए ये है, सिविल इंजीनियरिंग के ऑल सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, तो जो भी इंटरेस्टेड हैं ठीक है, और इसके अलावा भी जो कॉमन सब्जेक्ट हैं जैसे डिप्लोमा में बेसिक मैथमेटिक्स है या एडवांस मैथमेटिक्स है या बीडी है, बेसिक ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग जिसको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी बोला जाता है ठीक है, अप्लाइड मैकेनिक्स है, ये सब जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं इनके भी जो कॉमन सब्जेक्ट हैं ठीक है। अभी डिग्री में दे दिया जाए तो मैकेनिक ऑफ सॉलिड हुआ, चाहे फ्लूड मैकेनिक्स हुआ ठीक है, चाहे M1 M2 M3 हुआ, तो ये सारे भी हम क्लासेस कराते हैं, जो इंटरेस्टेड हो वो कर सकता है ठीक है। अगर कोई मान लो कोई ज़्यादा डिस्टेंस पे है, ज़्यादा मतलब वो क्लास अटेंड नहीं कर सकता है, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दे कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी ये वीडियो बनाए जाए, तो वो वीडियो भी हम बनाएंगे ठीक है। तो अभी आ जाते हैं, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में पहला जो पॉइंट है मेरा वो है क्या, हाइड्रोस्टेटिक है क्या, पहले तो हाइड्रोस्टेटिक्स है क्या, पहले तो ये जानेंगे। तो हाइड्रोस्टेटिक क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, और इसका डेफिनेशन फर्स्ट चैप्टर में भी हमने बताया ही थे कि फर्स्ट चैप्टर में इसके डेफिनेशन हमने लिख के दिए थे, और क्या डेफिनेशन लिखा था, इट इज द ब्रांच ऑफ, इट इज द ब्रांच ऑफ फ्लूड मैकेनिक्स डीलिंग विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूड व्हेन इट इज एट रेस्ट। अब रेस्ट क्या, फ्लूड, फ्लूड हमारा जो रेस्ट कंडीशन पे हो तो उसके बिहेवियर के बारे में जो स्टडी करेंगे उसको बोला जाता है हाइड्रोस्टैटिक। अब हाइड्रोस्टैटिक फॉर एग्जांपल के तरीके से अगर बोला जाए, फॉर एग्जांपल अगर मुझे बताना हो तो क्या होगा, तो एग्जांपल में हम बताएंगे कि वाटर प्रेशर ऑन गेट ऑफ डैम, जो हमारा डैम होता है ठीक है, डैम ठीक है, वो उसका प्रेशर, वाटर देखो डैम होता है जिसकी एक साइड पे हमारा क्या होता है वाटर होता है, दूसरी साइड पे हम क्या होते हैं उसको डिस्चार्ज करते हैं ठीक है। और डैम किस लिए बनाया जाता है उसका भी मल्टीपर्पज के लिए होता है, जैसे वाटर को फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, वाटर को स्टोर करने के लिए, स्टोरेज पर्पज के लिए भी हमारा होता है ठीक है, इरिगेशन पर्पज के लिए, फिशरिंग के लिए, बहुत सारे एम हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर के लिए ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर डैम में जो गेट प्रोवाइड होते हैं तो उस गेट पे वाटर का प्रेशर क्या होता है ठीक है। तो वाटर प्रेशर
ऑन गेट्स ऑफ डैम, ठीक है, डैम के जो गेट्स होते हैं वहां पर वाटर का प्रेशर कितना होगा, ठीक है, और वाटर प्रेशर ऑन साइड एंड बॉटम ऑफ वाटर टैंक, जो हमारे वाटर टैंक होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम रेजिडेंशियल बिल्डिंग देखिए तो उसमें वाटर टैंक बने होते हैं, तो उसके बॉटम में उसके साइड्स पे कितने प्रेशर्स आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम वाटर टैंक का डिजाइन करते हैं कि ऐसे हम डिजाइन करें कि उसके प्रेशर को वो क्या करें, रजिस्ट कर सके, जिसके कारण हमारा वो बना रहे, अच्छे से बना रहे, वाटर को परमिएबल ना होने दे, वाटर को पास ना होने दे, वाटर का प्रेशर इतना ना हो कि वो जो हमने टैंक डिजाइन किया हो वो टूट जाए, ऐसा ना हो, इसलिए हम वाटर प्रेशर जानेंगे किसका, वाटर प्रेशर ऑन साइड्स एंड बॉटम ऑफ वाटर टैंक, ठीक है। अब देखो ये हो गया, ठीक है, अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये तो जान गए, ये हाइड्रोस्टेटिक तो जान गए और ये भी मैंने बताया कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसके पहले हम जानेंगे कि टोटल प्रेशर क्या होता है, ठीक है, सरफेस पे प्रेशर कितना होता है और उसके बॉटम पे प्रेशर कितना होता है और टोटल प्रेशर कहाँ एक्ट होता है, ये सब हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट, वो हम बताने वाले हैं रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेप्थ ऑफ लिक्विड, ठीक है, रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेप्थ ऑफ लिक्विड, ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रेशर जान लें, फिर उसके बाद से और हम जान जाएंगे कि क्या होता है, ठीक है, प्रेशर जान लेते हैं, तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, प्रेशर हमको पता है कि प्रेशर को प्रेशर इंटेंसिटी भी बोला जाता है, ठीक है, तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर पी इक्वल टू फोर्स, फोर्स अपन एरिया होता है, ठीक है, फोर्स अपन एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, या प्रेशर जिसकी यूनिटी मैंने बताया है, इसकी यूनिटी, इसको अगर फोर्स को मैं और स्मॉल पी से बताऊं चलेगा, कोई बात नहीं, फोर्स को एफ से भी बता सकते हो, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, एरिया को ए से, तो इसका यूनिट क्या होता है, फोर्स का होता है न्यूटन और इसका क्या होता है मीटर स्क्वायर, ये सब मैंने पहले लास्ट वाले जो लेक्चर है उसमें एक्सप्लेन कर दिया, तो ये तो फोर्स हो गया, ठीक है, अब इनके बीच का रिलेशन अगर मुझे बताना है तो देखो, अगर मान लो ये आपका टैंक है एक, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये कोई मैंने टैंक बनाया है, ओके, ये मेरा टैंक है, ठीक है, और इसमें मेरा लिक्विड फिल है, ये मैंने लिक्विड फिल किया है, ओके, कहाँ तक फिल किया है, यहाँ तक मैंने फिल किया है, और ये सिंबल बताता है कि ये वाटर का सरफेस है, ठीक है, ये सिंबल बताता है, ओके, तो इस पे इस अगर देखा जाए तो इसकी हाइट मान लो एच जितनी हो, एच जितनी हाइट है ये, ठीक है, तो इसके बॉटम पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, और ये प्रेशर एक्ट कैसे करता है, ये एक्ट करता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एच कितना है, जीरो है, और यहाँ पे प्रेशर इंटेंसिटी क्या होगी, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई लोड ही नहीं आ रहा ना, ये तो वाटर सरफेस है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो जीरो होगा, और धीरे धीरे मेरा क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होते जाता है, ठीक है, धीरे धीरे मेरा प्रेशर क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ और प्रेशर है, यहाँ पे बढ़ रहा है, फिर बाद में यहाँ पे बढ़ रहा है, फिर बाद में मेरा यहाँ पे बढ़ रहा है, और ये प्रेशर कितना है, जैसे मैंने बताया कि वेट डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू हाइट, ये एच जितने हाइट कर देंगे तो यहाँ पे इस
बॉटम पे कितना प्रेशर है ये हमें पता चल जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, ये मेरा जो है ये पता चल गया। अब मैं टोटल प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द टैंक की बात करूं, देखो अभी मैंने यहाँ पे बताया है कि प्रेशर जो है जिसको प्रेशर इंटेंसिटी बोला जाता है, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पर इस बॉटम पे कितना टोटल प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो टोटल प्रेशर बोल सकते हो या फोर्स बोलो, ठीक है, टोटल फोर्स कितना लग रहा है, कितना मतलब लोड उस पे लग रहा है, तो वो कैसे मैं फाइंड आउट करूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे देखो फोर्स कितना लग रहा है, प्रेशर इंटू एरिया, टोटल प्रेशर यहाँ पे बॉटम पे कितना है, इतना है, तो फोर्स टोटल कितना हो जाएगा, ये प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है, ये प्रेशर इंटू एरिया, वो टोटल फोर्स भी बोल सकते हैं, टोटल फोर्स ही लिखे तो और बेटर रहेगा क्योंकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी टोटल प्रेशर भी बोला जाता है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि एक्चुअली कितना इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ठीक है, इस बॉटम पे कितना फोर्स लग रहा होगा इसे, तो वो कितना लग रहा हो, टोटल की बात करें मैं यहाँ पे देखो ये प्रेशर मेरा है, टोटल प्रेशर ये ऐसे बॉटम की तरफ ये लग रहे हैं, ठीक है, तो ये टोटल फोर्स एक्चुअली कितना इसके ऊपर लग रहा है, तो वो टोटल फोर्स अगर मैं देखने जाऊँ तो वो क्या होगा, फोर्स देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया इंटू प्रेशर, ठीक है, तो प्रेशर क्या है, पी इंटू ए, और पी मेरा कितना है, डब्ल्यू इंटू एच इंटू ए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब इसका यूनिट लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो इस तरीके से हम टोटल प्रेशर वहां पे फाइंड आउट कर देते हैं कि बॉटम पे टोटल कितना होगा, टोटल फोर्स कितना होगा या टोटल प्रेशर्स बोला जाए वो कितना होगा, वो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें W क्या है, स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड या वेट डेंसिटी बोलो, या दिस इज द W क्या है, वेट डेंसिटी, ठीक है, इसको मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी बताया है कि वेट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड के लिए वेट डेंसिटी है, जो भी लिक्विड है उसकी वेट डेंसिटी, ठीक है, फिर उसके बाद से H क्या है, हाइट ऑफ द या डेप्थ ऑफ द लिक्विड, डेप्थ ऑफ लिक्विड, फिर उसके बाद से ए क्या है, एरिया ऑफ बेस ऑफ टैंक, एरिया ऑफ बेस ऑफ टैंक, ठीक है, एरिया ऑफ बेस ऑफ टैंक मिल गया। अगर मुझे मैं ये बोलूं कि टोटल प्रेशर कितना लग रहा है, ठीक है, टोटल प्रेशर एक्चुअली लग कितना रहा है और कहाँ लगता है, टोटल प्रेशर बोलूं कि टोटल प्रेशर कितना होगा, ये अभी इतना है प्रेशर लग रहा है, ठीक है, समझे, पर टोटल प्रेशर अब लग तो रहा है, बहुत सारे प्रेशर ऊपर से देखो नीचे से तक प्रेशर ही लग रहे हैं, तो टोटल प्रेशर कितना होगा, ठीक है, तो वो अगर फाइंड आउट कर लें तो हमें प्रेशर और डेप्थ के बीच में रिलेशनशिप मिल जाएगा, ठीक है, डेप्थ और प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप मिल जाएगा। तो मेरा अगर टोटल प्रेशर की बात करूं, टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, ठीक है, इसका जो टोटल प्रेशर जो होगा वो पूरा को हम ले लेंगे तो आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है, प्री है, इंटू एच है, और ये पी कितना है, हाफ इंटू डब्ल्यू एच है, और ये एच है, ये तो वैल्यू क्या आ गया, हाफ वेट डेंसिटी इंटू एच स्क्वायर, और ये क्या है, टोटल प्रेशर है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला बन के आया वो क्या है, टोटल प्रेशर का फॉर्मूला है, ठीक है, टोटल प्रेशर का फॉर्मूला पता चल गया कि टोटल प्रेशर हाफ, डब्ल्यू इज द वेट डेंसिटी एंड एच इज द डेप्थ ऑफ द लिक्विड, और प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू प्रेशर और हाइट डेप्थ के बीच में रिलेशनशिप मिल गया, ठीक है, और ये क्या है, टोटल प्रेशर पी है, ठीक है, तो पी इक्वल टू हाफ डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू एच स्क्वायर, स्मॉल डब्ल्यू को हम क्या बोलते हैं, वेट डेंसिटी बोलते हैं, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 9810, ठीक है, समझ में आ गया। अभी आ जाते हैं हम नेक्स्ट जो टॉपिक बोला गया है,
और नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक ये है कि फेज प्रेशर डायग्राम फॉर टू लिक्विड, प्रेशर डायग्राम फॉर टू लिक्विड। तो प्रेशर डायग्राम फॉर टू लिक्विड क्या है, वो हेडिंग डाल लेते हैं हम। कोई भी दो लिक्विड को हम लेके और उसका प्रेशर डायग्राम क्या बन रहा है वो हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। पहले हेडिंग डाल लेते हैं प्रेशर डायग्राम फॉर टू लिक्विड, और टू लिक्विड, ओके, प्रेशर डायग्राम फॉर टू लिक्विड। तो दो हम लिक्विड बना लेते हैं, जैसे मेरा ये टैंक है और मैं दो लिक्विड, जैसे मान लीजिए कि एक एक लिक्विड है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी S2 है, और यहाँ पे एक लिक्विड है कोई जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 है, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, H1 जितनी है, और इसकी हाइट जो है वो H2 जितनी है, ठीक है। अब इसका जो प्रेशर डायग्राम हो रहा है, जैसे यहाँ पे ये C हो, ये B है और ये A है, ठीक है। अब इसका जो प्रेशर डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, ट्राइंगल शेप में ही बनता है, पहले भी हम इसको सीख चुके हैं। कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। ऐसे प्रेशर बढ़ते जा रहा है, प्रेशर क्या होते जाएगा, ऐसे इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है, ऐसे इंक्रीज होते जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दें कि ये जो बी वाला जो प्रेशर है यहाँ पे ये है, फिर बाद में ये जो प्रेशर हो रहा है तो इसका प्रेशर, फिर इन दोनों का प्रेशर, ये टोटल प्रेशर बता रहा है। यहाँ पे ये पूरा लेंगे तो टोटल प्रेशर, लेकिन इस लिक्विड के लिए कितना प्रेशर होगा, इतना होगा। फिर उसके बाद से इतना लिक्विड के लिए प्रेशर कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। फिर ये दोनों का जो मिलाएंगे ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। इस लिक्विड के लिए लेंगे तो ये इतना आएगा, और इस लिक्विड के लिए ये इतना आया, और ये दोनों का लेंगे तो ये पूरा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, मान लो ये H1 है, तो इसके लिए जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, W into H1, ठीक है। और ये H1 जितना हाइट है तो ये W into H1, और ये जितना होगा यहाँ पे भी W into H1 हो जाएगा, W1 हो गया, ठीक है। फिर इसके लिए जब लेंगे तो इसके लिए ये आता है, इसके लिए क्या होगा, W into H2 आ जाएगा, ठीक है। और ये H2 जितना हाइट है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे लिखा ही है हमने। तो हम क्या करेंगे कि इसका प्रेशर हम फाइंड आउट करेंगे, मान लो P1 है, फिर बाद में इसका जो प्रेशर लग रहा है ये P2 है, फिर इसका जो प्रेशर लग रहा है वो P3 है। तो हम P1 P2 P3 को हम अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। तो P1 प्रेशर कितना होगा, अगर मैं इसके लिए बात करता हूँ तो P1 प्रेशर कितना हो जाएगा, वही ये है ना, P1 के लिए ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू दिस WnH1 इंटू दिस हाइट H1, तो कितना आ गया, हाफ W1H1 स्क्वायर आ गया P1 की वैल्यू, ठीक है। फिर बाद में अगर P2 देखा जाता, P2 कैसा है, रेक्टेंगल शेप है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ये W1 into H1 विड्थ हो गया, और हाइट क्या है, H2 हो गया, ये P2 आ गया मेरा। दिस इज द P2 वैल्यू एंड दिस इज द P1 वैल्यू, ठीक है। उसके बाद से मैं क्या करूँगा, P3 निकाल लूंगा। P3 क्या होगा, ये देखो ये वाला शेप दिख रहा है, ये भी कैसा है, रेक्टेंगल ही है, तो हाफ इंटू बेस कितना है, W2H2, ठीक है, इंटू हाइट कितना है, H2। तो इसका क्या आ गया, P3 की वैल्यू हाफ W2H2 का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, तीनों का अलग अलग प्रेशर, टोटल प्रेशर अलग अलग मिल गया। तो कंबाइन अगर लिया जाए, कंबाइन अगर लिया जाए टोटल प्रेशर, तो कितना हो जाएगा, P=P1+P2+P3। तो हमें ये पता चलेगा कि एक्चुअली इस पे कितना प्रेशर लग रहा है, तो सभी को ऐड कर देंगे, हाफ W1H1 स्क्वायर प्लस W1H1 इंटू H2 प्लस हाफ W2H2 स्क्वायर। दिस इज द टोटल प्रेशर, दोनों लिक्विड को लेके मेरा कितना टोटल प्रेशर बन रहा है, ये बन रहा है। और इंडिविजुअली हो देखा जाए तो उतना प्रेशर बन रहा है कि एक्चुअली इंडिविजुअली कितना प्रेशर लग रहा है, ओके। तो ये इतना हमने
सीखा है, ठीक है। इसके बाद इसके न्यूमेरिकल पार्ट को हम कर लेंगे कि इसके न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं तो न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं, इनको हम सीखेंगे। फिर उसके बाद से हम पास्कल लॉ के बारे में जानेंगे कि पास्कल लॉ क्या है, ठीक है। फिर बाद में टोटल प्रेशर और सेंट्रल प्रेशर के बारे में जानेंगे। तो ये था हमारा हाइड्रोस्टेटिक्स चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 1। और लेक्चर नंबर 1 में हम किस फ्लूड की बात कर रहे हैं, जो फ्लूड रेस्ट कंडीशन में है, तो उस रेस्ट कंडीशन में हम कोई भी बॉडी को इमर्ज करते हैं तो क्या उसके ऊपर प्रेशर लगता है, ठीक है। टोटल प्रेशर कहाँ पे लगता है, सेंट्रल प्रेशर कहाँ पे लगता है, कितना लगता है, ये सब हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए और कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और आपका कमेंट अगर अच्छा रहेगा तो हमें भी एनर्जी मिलेगी कि हम आगे और भी वीडियो अच्छे से बना के आप तक सेंड करें। सो वीडियो आपके लिए ही बन रहे हैं, तो आपने आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हमें भी वो एनर्जी मिलेगी, हमें भी वो पावर मिलेगा कि ताकि हम अच्छे से अच्छे आप तक वीडियो पहुंचा सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।